गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? माय सेल्फ विजय सर। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात जो डिग्री है। कल हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के जो वाक्य होते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के नियम हमने बताया था आपको, और मैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को कैसे पॉजिटिव डिग्री में हम बदलेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले बता देता हूं। ये आप देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों का पॉजिटिव डिग्री बनाने का नियम आप तो जान रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, जैसे मैं देखिए एक उदाहरण लिख देना चाहता हूं, सीता इज द लकीएस्ट, LUCKIEST, लकीएस्ट गर्ल, सीता इज द लकीएस्ट गर्ल इन द क्लास। ये जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, किसमें है? सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री को बदलना किसमें है आपको देखिए यहां लिख रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये आप देखेंगे जो नियम है आपका, नियम क्या है कि वाक्य के प्रारंभ में क्या कह रहा है, वाक्य के प्रारंभ में नो अदर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस की शुरुआत में ही आप क्या करेंगे, नो अदर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर के बाद क्या किया जाता है, सिंगुलर नाउन का। जैसे ही आपने सेंटेंस की शुरुआत में पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए नो अदर का प्रयोग किए तो उस नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है हमारा, उस एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री बना देते हैं। ओके, सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा, जैसे मान लीजिए गुड, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड आपका पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव है। तो अगर बेस्ट है तो वो सुपरलेटिव में है, तो उस सुपरलेटिव को चूंकि हम बदल किस में रहे हैं, पॉजिटिव में, तो उस पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आप क्या करते हैं कि जो बेटर है, बेस्ट है, उसको हम पहली अवस्था में ले आएंगे, मूल अवस्था में, जिसका मूल अवस्था क्या होता है, गुड होता है। क्लियर? तो सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव बना दिया जाता है और उसे उसी एडजेक्टिव को अर्थात जिसको हम पॉजिटिव किए हैं उसे इसके बीच में रखेंगे, एज एज या फिर सो एज, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर की शुरुआत में ही, आपको इसके पिछले वीडियो में ही हमने बता दिया था कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं पॉजिटिव डिग्री के वो एज एज या सो एज के बीच में उसको रखा जाता है। तो ये रहा आपका नियम, किस चीज का नियम है, सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बदलने का। उसी का शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे आपको उतारने का प्रयास किया है, मतलब इसी के माध्यम से समझ सकते हैं आप। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नो अदर, इसके बाद सिंगुलर नाउन, देखिए इसी नियम से आधारित है, इसी नियम से रिलेटेड है। तो ये नो अदर, इसके बाद सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के बाद क्या कह रहा है, आप ध्यान देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री को किसमें रखना है, एज एज या सो एज के बीच में क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो चलिए मैं इसको बताता हूं कैसे बनेगा इसका पॉजिटिव डिग्री। कल या पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनता है, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बनता है। तो चलिए बता देता हूं, देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, नो अदर, तो यहां हम लिखेंगे नो अदर, हो गया। नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन कौन है, आपको पहले ही कल बताया गया था कि सिंगुलर नाउन आपको कहां मिलता है, कंपैरेटिव डिग्री में, देन के बाद आप क्या देते थे, देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन, तो आपका सिंगुलर नाउन कौन है, गर्ल इन द क्लास। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास, ये वर्ब है, इसको दे देंगे इच। अब क्या कह रहा है, देखिए नो अदर के बाद क्या आपने दे दिया, सिंगुलर नाउन, अब क्या कह रहा है कि एज एज या सो एज के बीच में पॉजिटिव,
तो कहने का मतलब है कि चलिए हम इसको एज भी दे देते हैं, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज। अब ये पॉजिटिव किसका बनेगा? इस एडजेक्टिव का, लकीएस्ट है, सुपरलेटिव में किसमें आएगा? पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा लकी, एज लकी, एल यू सी के वाई। अब देखिए ये लकी हो गया हमारा, क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव कर दिए तो एज हमने दे दिया है, तो उसको एज के बीच में ही रखना है, तो एज लकी एज। अब ये सीता इधर आ जाएगी, ये आपका हो गया क्लियर कि नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज लकी एज सीता। आपने देखा कि कैसे इसको हमने बताया, सॉरी कैसे बनाया। चलिए मैं दूसरा उदाहरण आपको बताता हूं। दूसरा उदाहरण है, जॉन इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास। ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री में, इसको आप बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बता रहा है कि नो अदर लिखेंगे, चलिए नो अदर हमने लिख दिया। नो अदर के बाद सिंगुलर नाम, तो सिंगुलर नाम कौन हो जाता है? ये बॉय, बॉय के साथ क्या है? इन माय क्लास टोटल, तो नो अदर बॉय इन माय क्लास, ये भर्ब यहां आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए ये जो एडजेक्टिव है आपका किसमें है? सुपरलेटिव में, इसको बनाना है पॉजिटिव, तो बेस्ट किससे बना है? गुड से। तो इसको जब हम गुड में लाएंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो क्या करते हैं कि एज एज या सो एज के बीच में रखते हैं। तो चलिए नो अदर बॉय इन माय क्लास इज सो गुड, सो गुड एज जॉन। तो ये रहा आपका, दो उदाहरण के साथ हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये आपका रहा, ये अभी जो है कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पिछले वीडियो में हमने बताया था सुपरलेटिव से कंपरेटिव। तो चलिए एक और इसको आप नोट कर सकते हैं कि कैसे इसी के विपरीत में हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री या कंपरेटिव डिग्री को भी सुपरलेटिव बना सकते हैं, या पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस को हम कंपरेटिव बना सकते हैं। चलिए तो इसको हम कंपरेटिव, ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव हो गया, इसको हम कंपरेटिव बनाएंगे पिछले वीडियो में हमने जो आपको बताया था। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए जॉन इज कंपरेटिव क्या हो जाएगा? बेस्ट का बेटर, जॉन इज बेटर, कंपरेटिव के बाद क्या कहता है? देन एनी अदर, जॉन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन माय क्लास। अब मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री का एक सेंटेंस ले लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री है कि नो अदर, इसी सेंटेंस को ले लीजिए कि नो अदर बॉय इन माय क्लास इज सो गुड एज जॉन। तो इसको हम सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे कि जॉन इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे सुपरलेटिव डिग्री के वाक्यों को किस प्रकार से कंपरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताने का प्रयास किया है, आप इसे अच्छी तरह से समझें, और इसी से रिलेटेड आप जो है सो आज आपको हम होमवर्क देंगे और उस होमवर्क को आप हमें सेंड करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और बेहतर ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।